अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू कस्ताफ अब्बास व्लॉग्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। सो हमारा आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मुझे पता है कि काफ़ी दिनों से हम व्लॉग्स नहीं डाल रहे। आप लोग व्लॉग्स ही नहीं देखते यार। मेरा दिल नहीं कर रहा था व्लॉग डालने को। मैं छुट्टियाँ, वेकेशन हो गई थी, हॉलीडेज हो गए थे, तो मैं कह रही थी बस खेलूँ। तो आज मम्मा का एक पार्सल आया है ना, और इस पार्सल में पता नहीं क्या है। आपको एक चीज दिखाऊं, ये आज फोन नहीं देख रही है क्योंकि मैंने इसको मना किया है। आज दो दिन व्लॉग नहीं आया क्योंकि मेरी पहले दिन तो मेरी चाची आई हुई थी, उसके बाद मेरी नानू मामी वगैरह आए हुए थे, वैसे मेरी छोटी सी कजिन आई हुई थी। व्लॉग देखा करें गाइस, आप लोगों ने स्किन केयर वाला व्लॉग नहीं देखा, मैंने देखा था और आप लोग व्लॉग्स नहीं देखे। अब ये मामा का पार्सल अनबॉक्स करते हैं। मामा के तो पार्सल पे पार्सल आ रहे हैं बस। ओ मेरे बच्चे को रुला कुछ लोग और अभी यहाँ बना रही है नाश्ता क्योंकि मैं सबसे लेट उठती हूँ, तो इसलिए मम्मा भी मेरे लिए नाश्ता गर्म कर रही है। मम्मा ने मेरा नाश्ता गर्म कर दिया, तो इसलिए मैं पार्सल बाद में ओपन करूँगी। सबसे पहले मैं नाश्ता खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। नाश्ते में मैक्रोनी और राइस, ये मेरे नाश्ते में है मैक्रोनी राइस विद कोरमा। गाइस बहुत मज़े के बने हुए हैं। कल रात को मामी नानो वगैरह आए हुए थे ना, तो उनके लिए मम्मा ने ये सब कुछ बनाया था। तो मम्मा ने बिल्कुल शादियों जैसे राइस और कौरमा बनाया होगा, और शादियों वालों से भी अच्छा बनाया होगा, बहुत यम्मी है। मम्मा को मैं कहती हूँ मम्मा आप होटल खोल के नाइशा को मैं संभालूँगी, जो कि मेरे से कभी नहीं संभालेंगे। नाइशा पार्सल दिखा रही हो, अपा क्या चीज पार्सल दिखाती है? आपको ये दिखानी है। अच्छा जी, जुनाइशा को जी आपको पार्सल दिखाना है, तो जुनाइशा भी आपको पार्सल खोल के दिखाएगी, ठीक है? चलो आप खा लो अपा के साथ पास्ता खा लो। नाश्ता वगैरह कर लिया हुआ है और अब हम मम्मा का पार्सल अनबॉक्स करते हैं। सो तो जी ये है, ये वो ड्रेस जो मैंने ऑर्डर किया था। ये मैंने ना इंस्टा पर एक पेज है आजकल ना बहुत रनिंग में आ रहा है, तो मैंने उधर से ना इसको देख के बाय किया था। मुझे ये फ्लोरल सा प्रिंट ना बहुत अच्छा लगा था, बट ये मेरा बहुत ही बैड एक्सपीरियंस हुआ है। इसका फैब्रिक बहुत बुरा निकला। उन्होंने मुझे कहा था ये अरेबिक लॉन है, बट ये अरेबिक लॉन नहीं है, ये पता नहीं कौन सा फैब्रिक है, बहुत ही रफ सा कि एक वॉश में ही ना ये बिल्कुल ख़राब हो जाना है। इसके ऊपर जो प्रिंट भी आपको नज़र आ रहा है ना, ये भी ऐसा था कि बस ऊपर स्टैम्पनी जैसे लगी होती, वैसे ब्लॉक प्रिंट की तरह वैसे बना हुआ है। और इसकी विड्थ भी इन्होंने मुझे बताई थी कि जो लार्ज है उसकी 28 और मीडियम की है 25, बट ये दोनों साइज़ में से किसी में भी नहीं था। और इसकी स्टिचिंग बहुत बुरी मुझे लगी और बहुत बैड एक्सपीरियंस मेरा रहा ऑनलाइन जो ये स्टिच कपड़े बाय करने का। अनस्टिच मैंने ना विंटर में बाय किए थे, तो उनका मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा था, लेकिन मैंने जब भी कभी स्टिच मंगवाया ना तो उनका एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है। तो अब तो मैंने तौबा कर लिया, अब मैंने ना कभी भी इस तरह स्टिच ड्रेसेस नहीं मंगवाने, चाहे जितना भी ब्रांड ऊपर रनिंग कर रहा हो ना, लेकिन इनकी कहीं ना कहीं से फेक निकल ही जाती है। मैं भी यही सोचूं कि इतनी रीज़नेबल प्राइस में कैसे मिल रहा है टू पीस, वो भी स्टिच। ये मुझे विद डीसी मिला था, डिस्काउंट पे लगा हुआ था, विद डीसी मुझे मिला 1550 का, बट 1550 भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इन्होंने ना घर में बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, तो मम्मा से कहते हैं कि बाज़ार चले। मैं क्या बात करूँ आपसे, बाज़ार चलते हैं ना। यार मेरा दिल नहीं कर रहा था स्टाफ अभी, वैसे भी ये देखो मेरा ड्रेस कैसा आ गया मुझे ना गुस्सा। अब नहीं मैंने ऑनलाइन मंगवाना कुछ भी, तो हम बाजार जाकर न्यू ले आते हैं। ड्रेसिंग नहीं ऑनलाइन, अब मैं अब आज की नहीं अभी नहीं मंगवाती, क्या ख्याल है? मेरे
बनाने से मम्मा मान चुकी हैं और अब हम जा रहे हैं यहाँ बाजार, रेडी हो जाते हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ यहाँ पर ना। अभी मैं जुनाइशा को देख रही थी तो मुझे एक बात ना माइंड में आई, मैंने सोचा मैं अभी उसी का जवाब आपको दे दूँ। अक्सर मुझे कमेंट्स में ना लोग पूछते हैं कि भाई ये हेयर ऑयल जो आपने बताया ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, मेरे हेयर को ये प्रॉब्लम है या इस तरह। तो आप यहाँ पर मेरे बच्चों के हेयर देख सकते हैं, आप जुनाइशा के हेयर देखें माशाल्लाह से कितने हेल्दी होते जा रहे हैं। इसे भी मैं वही ऑयल यूज़ करवाती हूँ जो मैंने घर में बनाया, हम सभी वही यूज़ करते हैं। और अभी मैंने रिसेंटली ना जुनाइशा का हेयर कट भी किया है, खुद ही मैंने किया, और मैंने इसके 2-2 इंच तक ना हेयर कट भी किए हैं। बाजार को हमने कर दिया है कैंसल और अभी हम जा रहे हैं बाबा के ऑफिस बाजार को कैंसल करके। बहुत खुश है ये बच्ची बाबा के ऑफिस जाने के लिए। चलो चलो बस हम निकलते हैं, रेडी हैं सब। अब हम जा रहे हैं बाबा पास, उनको जाकर सरप्राइज देते हैं तो उनको लेकर हैप्पी बर्थडे मम्मा, हैप्पी बर्थडे मम्मा, हैप्पी बर्थडे। फिर उसके बाद मेरी आएगी, नहीं फिर उसके बाद बाबा की आएगी, फिर उसके बाद बाबा की आएगी, फिर मेरी आएगी। गाइस मैं इन तीनों भाई बहनों में से बहुत बड़ी हूँ और फिर भी मेरी बर्थडे लास्ट में ही आती है दिसंबर में। हाँ जी अब मैं उनकी नाइस आते हैं। गुड इस बच्चे को देखो, नहीं इसके और उसके टेस्ट में फर्क है क्या था, सेम है तो नाइन का बेटा नाइस लग जाएगी। और ये बिस्किट सब हैप्पी बर्थडे ऐसे नहीं करते, चीज खराब हो जाती बेटे। आवाज हो जाए केक भी करो, चॉकलेट केक ला दो का स्टाफ ने वही खाना बेटा। ये हमारी यहाँ पर टी पार्टी हो रही है और साथ हम नेटफ्लिक्स देखेंगे। अब उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा है। अब हमने टी पार्टी वगैरह कर ली है और अब हम मैं टीवी लगा कर तो नेटफ्लिक्स वगैरह देखेंगे, हम सब सीरीज कोई लगाएंगे वो देखेंगे। आप लोगों ने हमारे व्लॉग को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। चले जी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।